हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो गाइज, मैं बात करने वाला हूँ एयरफोर्स XY के रिजल्ट डेट की एंड उसकी कट ऑफ के बारे में। तो गाइज, इनका एग्ज़ाम अच्छा हो चुका है, उनके लिए फेज़ टू के लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो वो फेज़ टू देखिए कैसे होगा आपका, तो वीडियो पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू कर। तो गाइज, जो आपका रिजल्ट है वो आफ्टर 15 डेज डिक्लेयर होगा, ये सभी को पता है। बट अभी फिलहाल फिलहाल एक रिजल्ट डेट भी आई है, कुछ साइट्स ने वो डिस्प्ले कर दी गई है। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट डेट है वो आएगा 22 मई 2018 को, यानी कि 22 मई को वो आएगा आपका रिजल्ट। तो जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट की, उनका डेट आ चुकी है 22 मई 2018 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रूफ क्या है, कि जो ये 22 मई है उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जो इसका प्रूफ है वो मैंने लिया है एक ओरिजिनल साइट से। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3, 4, 5, 6 मई, डाउनलोड एडमिट कार्ड 16 अप्रैल को आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ गया था। जो रिजल्ट डेट है वो लिखी गई है 22 मई 2018। तो ये sarkariexam.com से है, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। यदि नहीं मिले तो कमेंट कीजिए, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको पेज दिखा दिया है। तो अभी बात करता हूँ गाइस कट ऑफ के बारे में। सभी को डाउट है कि अब की बार क्या कट ऑफ होगी, एक्स ग्रुप की क्या होगी, वाई ग्रुप की क्या होगी, ऑल ओवर क्या होगी। तो पहले बात करता हूँ एक्स ग्रुप की कट ऑफ। तो जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था एक्स ग्रुप का, वो अब की बार मीडियम लेवल का था। मैथ्स और फिजिक्स थोड़े से हार्ड थे, बट वहीं इंग्लिश का पोर्शन था जो वो आपको ईजिएस्ट मिल गया था। इसी के कारण जो ऑल ओवर आपका लेवल बनता है यहाँ पर, वो एक्स एंड वाई ग्रुप का मीडियम बनता है। तो गाइज, सेपरेट भी वीडियो बना चुका हूँ कि इंग्लिश के अंदर आपको मिनिमम कितने मार्क्स क्वालिफाइड करने के लिए चाहिए, मैथ्स के अंदर, रागा के अंदर। वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो देख लीजिएगा। वैसे भी लास्ट वीडियो पा दिया आपने, देख ली तो वीडियो सारी देखा कीजिए, वो हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाली जाती है। तो देखिए, कट ऑफ एक्स ग्रुप की क्या रही है, 48+ रहेगी, 48+ आउट ऑफ 70। तो यानी कि 70 में से आपके 48+ मार्क्स बनते हैं तो आप क्वालिफाइड करेंगे। इस सेक्शन के अंदर कितने मार्क्स चाहिए उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दी गई है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा, तो देखिएगा। अभी मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई ग्रुप। तो जो वाई ग्रुप की है उसके अंदर आपके पास दो है, इंग्लिश और रागा। तो इंग्लिश और रागा की भी मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो देखिए, जो इसकी कट ऑफ रही है वो क्या है, वो आउट ऑफ 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन से, 30 रागा से और 20 इंग्लिश से। जो इसकी कट ऑफ है वो रहेगी 35+, गाइज 35+। इसकी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 50 35+। यदि आप 35+ आपके मार्क्स बन रहे हैं एक्सेप्शनली, साथ में आपको इस सेक्शन में पास होने के लिए कितने चाहिए उसकी भी वीडियो डाल दी गई है। पहले उसको देखिए, उसके बाद यदि आपके 35+ बनते हैं तो फिर ऑलरेडी आप फेज टू की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय बाय। के तू मेरी की लग के कोई हीर कहूंगा तेनू।